उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे मंत्री अमरजीत भगत ने उपचुनाव में जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। ये इलाका कांग्रेस का गढ़ है और मरवाही कांग्रेस की परंपरागत सीट है। मंत्री अमरजीत भगत से बातचीत की हमारे संवाददाता वैभव शिव पांडे ने। जोगी का इलाका और बिना जोगी के इस बार ये चुनाव होने जा रहा है, तो ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है ये जानते हैं अमरजीत भगत से। अमरजीत भगत जी, बिना जोगी के ये चुनाव होने जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कितना महत्वपूर्ण है ये चुनाव? बहुत आसानी से आप लोग जीत रहे हैं। देखिए, हमने तो आज अपने भाषण में भी कहा कि हम जब भी आए हैं कांग्रेस के लिए आए हैं, पहले भी आए हैं तो कांग्रेस के लिए आए हैं, आज भी आए तो कांग्रेस के लिए आए हैं, और आगे जब कभी भी आएंगे तो हम कांग्रेस के लिए आएंगे। कांग्रेस हमारी मातृ संस्था है, और जिन्होंने ये अवसर हमको प्रदान किया है इस क्षेत्र के विकास के लिए, जो काम कांग्रेस ने किया है और किसी ने नहीं किया है, अगर गोरेला पिंडरा मरवाही को जिला बनाने का सौगात अगर किसी ने दिया है तो कांग्रेस ने दिया है, भूपेश बघेल ने दिया है। तो देखिए, तो पार्टी लड़ती है चुनाव, सिंबल लड़ता है चुनाव, और जिस प्रकार से लोगों में उत्साह दिख रहा है, महिलाओं में, युवाओं में, ग्रामीणों में, आदिवासी भाइयों में, मुझे तो लगता है कि पिछला सारा जो सारी जो रिकॉर्ड थी सब पीछे छूट जाएंगे। कोई फर्क पड़ेगा रेणु जोगी, अमित जोगी जो है बिना कैंडिडेट के ही लोगों के बीच जा रहे हैं, इसका कोई असर होगा? देखिए, चाहे अजीत जोगी की बात करें, चाहे रेणु जोगी की बात करें, चाहे अमित जोगी की बात करें, सबको पहचान कांग्रेस ने दिया है और कांग्रेस से सबकी पहचान है। और मैं कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों का पहला और आखिरी मंजिल कांग्रेस ही है। रमन सिंह भी जो है अपने दलबल के साथ जो है चुनाव प्रचार के लिए पहुंच चुके हैं, कितना प्रभाव आप देख रहे हैं बीजेपी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और माननीय रमन सिंह का जो फौज है, उनके तलवार में धार नहीं है, खोखला हो चुका है। 15 सालों में उनके क्रियाकलाप को सबने देखा है, किस प्रकार से लोगों को उन लोगों ने बेवकूफ बनाया है, किस प्रकार से लोगों को भ्रम में रखा है। जब धान खरीदी के बाद आया, बोनस देने का बात आया, आदिवासी अंचल में तेंदुपत्ता का रेट बढ़ाने का बात आया, तेंदुपत्ता खरीदने का बात आया, वनोपज खरीदने का बात आया, सभी जगह उन्होंने भ्रम फैलावा और ठगने का काम किया। आज अगर असली सौगात किसी ने दिया है तो इस प्रदेश के किसान पुत्र माननीय भूपेश बघेल ने दिया है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री अमरजीत भगत जो कि मरवाही में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जीत का दावा उनका है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव जीतेगी और जो है काफ़ी बहुमत, भारी अंतरों के साथ चुनाव जीतेगी। और कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सब इस वक्त मरवाही में मौजूद है और सबकी कोशिश यही है कि कांग्रेस यहाँ पर चुनाव ही ना जीते, बल्कि कांग्रेस का जो जीत का अंतर है वो सबसे ज्यादा हो, सर्वाधिक हो। कैमरामैन रेखराम के साथ वैभव सिंह पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, मरवाही। सीएम भूपेश बघेल की मरवाही दौर